पुष्पदन्ताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। 24 तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु करते हुए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर को नमन करते हुए जितने भी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु से जोड़ने वाले गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी को नमोस्तु करते हुए ध्यान की गहराई में कैसे उतरे। हर कोई चाहता है कि मैं ध्यान की ओर अग्रसर हो जाऊं, ध्यान के साथ अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकूं। हर कोई चाहता है, चाहे जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ध्यान करने की भावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन धर्म ध्यान में उसी का मन लगता है जो सदा सदा के लिए भगवान का ध्यान करता है। आज हम ध्यान तो करते हैं लेकिन वह ध्यान संसार का ध्यान हुआ करता है। माँ जब भी ध्यान करती है तो बच्चों का ध्यान करती है, पिता जब भी ध्यान करता है व्यापार को बढ़ाने का ध्यान करता है, बड़े बुजुर्ग ध्यान करते हैं अपने नाती पोते परिवार की प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान किया करते हैं, जब कोई नेता ध्यान किया करता है वह पद को आगे बढ़ने की भावना को लेकर के ध्यान करता है। हमारे ध्यान तो होते हैं लेकिन वह ध्यान संसार तक ही सीमित हो जाते हैं। इसी ध्यान के प्रभाव से एक योनि में नहीं 84 लाख योनियों तक संसार का परिभ्रमण करना पड़ता है। याद रखना, यदि कोई सोने चांदी वाला आपसे बात करेगा उसका ध्यान हमेशा अंगूठी पर होगा क्योंकि यहाँ पर सोना चांदी पहना हुआ है। यदि कोई कपड़े वाला आपको देखेगा उसका ध्यान सिर्फ कपड़ों पर ही जाएगा। डॉक्टर जब मिलेगा उसका ध्यान आपके शरीर पर जाएगा। जब कोई संत आपसे मिलेगा वो संत का ध्यान आपके भीतर बैठी हुई आत्मा की तरफ ही जाता है। तो जो जिस फील्ड में काम करता है उसका ध्यान उसी की तरफ जाया करता है। ध्यान करने का नाम नहीं, ध्यान देने का नाम हुआ करता है। ध्यान दो, ध्यान के साथ स्वयं से पहचान करो तो ही यह ध्यान आपको परम गति की यात्रा करा सकता है। ध्यान के लिए सबसे पहले सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का है। सुबह 3:30, 3 नंबर गुरु का नंबर है, तो गुरु के नंबर पर आप उठोगे तो गुरु के पास आपका भी नंबर ले जाएगा, गुरु से आपका अटैचमेंट हो जाएगा। आप कहोगे इतना जल्दी? हाँ, ध्यान को पाने के लिए यह समय तो आपको देना ही पड़ेगा। भले ही आप 10 मिनट का समय दें, 5 मिनट का समय दें, आप इस समय अपने आत्मा पर ध्यान करो। हु एम आई, व्हाट आई डू, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। यह भाव जब तुम्हारे मन में पैदा हो जाएंगे उसी दिन उस परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्ति
आपके मन से अटैच हो जाएंगे, फिर आपको भटकने नहीं देगी। जिस प्रकार से माँ बच्चे को भटकने नहीं देती है, बार बार माँ उसे आगे बढ़ाने के लिए उस पर ध्यान देती है, उसी प्रकार से जो 3:30 पर सुबह ध्यान लगाता है, तो वह एक ऐसा समय है, अगर आपको नींद भी आएगी लेकिन यह समय आपको 3:30 पर उठा ही देगा। तो इस समय से आपका संबंध हो चुका है, आपका मैत्री भाव बन चुका है। यह संबंध एक बार बन जाता है, वह व्यक्ति संसार में किसी का शिष्य नहीं बनता है, वह अपने आप में गुरु बन जाया करता है। उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान कैसे दें? ध्यान देने के लिए सबसे पहले आप अपने शरीर के एक एक अंगों पर ध्यान करो। ऐसे भाव के साथ ध्यान करो कि आज मैंने मंदिर के जिस भगवान को देखा है उनमें और हमारे में अंतर क्या है। उनके भी घुंघराले बाल हैं, हमारे भी बाल हैं। उनकी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं। उनकी भी नाक है, हमारी भी नाक है। उनके भी ओंठ हैं, हमारे भी ओंठ हैं। उनके भी कान हैं, हमारे भी कान हैं। उनका भी हृदय है, हमारा भी हृदय है। उनके भी हाथ हैं, हमारे भी हाथ हैं। उनके भी पैर हैं और हमारे भी पैर हैं। सब कुछ आपके पास भगवान के जैसा है। अंतर कहाँ है? अंतर इतना ही है, वो वीतरागी हैं और आप वित्तरागी हैं। आपका ध्यान जमीन पर गिरे हुए पैसे पर जाता है और संत और भगवत का ध्यान संसार में गिराने वाले कर्मों पर जाता है और अपने आत्मा का ऑब्जर्वेशन करते हैं। इतना ही अंतर है। जब कोई अपना आता है आंखें अपने आप खुल जाती है, जब किसी अपने व्यक्ति की आवाज आती है तो मन में संकलित परिणाम पैदा हो जाते हैं। जब किसी के मोबाइल की घंटी बजती है उसी समय आपके माला की स्पीड, आपके ध्यान करने की स्पीड अपने आप बढ़ जाया करती है। यह जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आपको कोई विकल्प नहीं है। ना कोई मोबाइल की घंटी बजेगी, ना कोई आपके पास उठ करके आकर आपको परेशान करेगा, ना संसार का कोई विकल्प होगा। यह समय आपको उस आत्मा से अटैच करने वाला होगा। इस समय सिर्फ आप और आपकी आत्मा एक दूसरे से बात कर सकती है। एक ऐसा समय बस आप अपने शरीर को देखते देखते उस परमपिता परमात्मा को देखते जाइए और उनकी एक शरीर के साथ आप अपना अटैचमेंट बनाते जाइए। गहरी श्वास लेते हुए जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक आप श्वासों को रोकिए, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पुनः श्वास लीजिए, रोकिए, फिर आप धीरे धीरे श्वास को सहज रूप से छोड़ते जाइए। किसी प्रकार का दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देना है, श्वासों की आवाज भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ सहज रूप से श्वास आ रही है, रुक रही है और जा रही है। बार बार इस प्रकार का ध्यान आपको अपने मन में लाना है। यह प्रयास आप करते रही है, सिर्फ आपका ध्यान श्वासों पर ही केंद्रित होना चाहिए। पुनः पुनः इस विधि को करते जाइए। जिनको अस्थमा की शिकायत है, श्वास लेने में प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, शारीरिक कष्ट है, वह अपने श्वासों को देखिए। यह श्वास नहीं है, ये आपकी आत्मा है। एक अपेक्षा से जिस दिन ये श्वास निकल जाती है, समझ लो आपकी आत्मा निकल चुकी है। जो श्वास को देख लेता है वह नियम से अपनी आत्मा को देख सकता है, अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार कर सकता है। एक ऐसा अवसर आपको मिला है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मंदिर के सारे भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। बाकी संसार में
बहुत सारे भगवान हैं, सब अपने अपनी मुद्रा बनाकर के बैठे हैं, लेकिन वीतरागी भगवान दृष्टि नासा पैर अपा अपमी रघो एड मे पर झाड़ अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को देख रहे हैं। आप इस समय उस यात्रा पर जा रहे हैं जो आत्मध्यान की यात्रा है, जिसमें नवरात्रि भी है, जिसमें आपके बीच में दशहरा भी है, जिसमें आपके साथ शरद पूर्णिमा है। मैं चाहता हूं कि दीपावली आते आते आपके अंदर भगवान महावीर स्वामी जैसी अनुभूति आना प्रारंभ हो जाए। मैं जानता हूं कि पंचम काल में आप महावीर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप महावीर के जैसी अनुभूति का अनुभव तो कर सकते हैं कि महावीर स्वामी बने कैसे। बस ये भाव जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाता है, उसी दिन आपका मन आनंदित हो सकता है, प्रसन्न चित्त हो सकता है। फिर आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्ह। यह भाव बार बार आपके मन में चलता रहेगा और एक दिन आपके मन में ऐसा अनुभव होगा, ऐसा लगेगा जैसे हमारे रोम रोम में साक्षात महावीर स्वामी की दिव्य शक्ति समाहित हो चुकी है। जब आपने इतने समय से जो भजन गाया है, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, ऐसा दो वरदान की किरणा पांव जन्म द्वारा, ऐसी भावना जो आपने इतने समय से अपने मन में बना के रखी है, अब वह भावना ध्यान के माध्यम से पूरी हो सकती है। ध्यान करो पूरी आत्मीयता के साथ, तन्मयता के साथ, समर्पण भाव के साथ। बस समय का ध्यान रखें, टाइम वेट्स फॉर नन। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। जो समय आपको मिला है, यह फिर दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। इस समय का आप सदुपयोग करेंगे, यही समय का लाभ को योगानुयोग से जोड़ करके आपको उस योगी से मिला सकता है, जो योगी सदा आत्मोपयोगी, आत्मा के उपलब्धि में लगे हुए हैं, आत्म ध्यान और आत्म जागरण में लगे हुए हैं। आप एक बार जब उनसे मिल जाओगे, जो आपने सोचा है वह भी एक न एक दिन आपको अवश्य रूप से मिल जाएगा, तो यह अवसर आप चुके नहीं। आपको सिर्फ ध्यान देना है, Who am I? What I do? मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। यह भाव हमेशा सतत आपके मन में चलते रहना चाहिए। हर पल हर घड़ी भक्त अमर का ध्यान करते रहे, नमोकार का ध्यान करें, नमोकार की दिव्य शक्ति से साक्षात्कार करें और धीरे धीरे आप उस ध्यान की गहराई में उतरते जाएं। जैसे एक बच्चा रोज रोज पढ़ाई पर ध्यान देता है, तो वह एक न एक दिन उस पढ़ाई के प्रभाव से इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर या वकील जो भी बनना चाहता है, वह किताबों को पढ़ते पढ़ते वहां तक पहुंच जाता है। बस आपको हर दिन ध्यान करते करते, ध्यान करते करते, ध्यान करते करते, ध्यान लगाते 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 लगाते, एक दिन यह ध्यान ऐसा लगेगा, फिर आपको संसार का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आंखें खुली तो रहेंगी, लेकिन खुली आंखों से सिर्फ आप अपने आप को देखोगे। मैं चाहता हूं जो मुझे घर बैठे बैठे सुन रहे हैं, भक्तामर वाले बाबा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं यदि आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कल आप अपनी आत्मा की भावनाओं को जरूर सुने। यह आत्मा इस संसार में आपके साथ क्यों आई है? सिर्फ संसार को बढ़ाने के लिए, सिर्फ परिवार को बढ़ाने के लिए,
सिर्फ परिग्रह को जुटाने के लिए, इसके लिए आत्मा आपका साथ दे रही है, ये तुम्हारी भूल है। ये आत्मा शरीर को अच्छा बनाने के लिए साथ नहीं दे रही है, साथी बनाने के लिए साथ नहीं दे रही है, परिग्रह को जुटाने के लिए साथ नहीं दे रही है। यह आत्मा तो आपको परमात्मा से मिलाने के लिए, परम गति की यात्रा कराने के लिए आपका साथ दे रही है। ये तुम्हारा पुण्य है कि आपने इस आत्मा को मनुष्य पर्याय में देखा है। ये आपका पुण्य है, इस आत्मा को आपने जैन कुल में देखा है, उच्च कुल में देखा है, जिनेंद्र भगवान के सामने देखा है, जिन वाणी को पढ़ते पढ़ते देखा है, और साधु के आशीर्वाद के साथ आपने इस पर्याय को देखा है। ये पर्याय बेकार नहीं जाना चाहिए। इस पर्याय में हमें धर्म के प्रति बेकरार होना चाहिए। जो धर्म के प्रति बेकरार होता है उसकी पर्याय बेकार नहीं जाती है, उसके जीवन का उत्थान हो जाया करता है, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाया करता है। ऐसा पावन समय, पावन अवसर, इस अवसर का पूरी आत्मीयता के साथ लाभ ने, यही भावना के साथ, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। यह भावना सतत आपके मन में चलती रहे। हमें वित्त के प्रति राग नहीं, हमें वीत रागी के प्रति राग भाव रखना है, तभी हमारे अंदर वंदे तत्कुण लब्ध है। हे प्रभु, मुझे भी आपके जैसी गुणों की प्राप्ति हो, इसीलिए तो मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपको नमन कर रहा हूँ, क्योंकि इसी नमन से ही मेरा जीवन चमन हो सकता है और मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो आप सभी पूरे मनोभाव के साथ ध्यान करें, अपने अंदर की आत्मा से आत्म साक्षात्कार करें, तभी आपका मनुष्य पर्याय में आना, मन को परमात्मा से जोड़ना, परमात्मा से परम गति की यात्रा करना सार्थक हो सकता है। बाकी तो जीवन सभी जी रहे हैं, लेकिन हमें जीवन रोबोट की तरह नहीं जीना है, हमें तो जीवन धर्म यात्रा के साथ जीना है।